फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मेरी किचन। मैं हूँ नेहा। आज हम बना रहे हैं पोटैटो वेजेज। ये बनाने में जितना आसान होता है खाने में उतना ही यमी होता है। तो आइए देख लेते कैसे बनाते हैं हम इस रेसिपी को। तो मैंने लिया यहाँ पे 5 आलू, जिसका मैं छिलका उतार लेती हूँ। इस तरह से हम सारे आलू का छिलका उतार लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आलू को छील लिया है। अब इसे हम टुकड़ों में काट लेंगे। तो हम लेंगे ये आलू और इसे हम पहले बीच से कट करते हैं और हम आलू का इस तरह से टुकड़े कर लेते हैं। जब भी आप पोटैटो वेजेज बनाइएगा कोशिश कीजिएगा कि आप हमेशा बड़े आलू का यूज़ करें। मैं यहाँ पे आलू को 4 हिस्सों में काट रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे 2 हिस्सों में काट सकती हैं, बट इससे ये जल्दी बन जाएगा क्योंकि मैंने इसे 4 हिस्सों में काटा है। तो इसी तरह से हम सारे आलू को कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू कट कर लिया है। हम इसे अच्छे से धो लेते हैं। तो मैंने आलू को अच्छे से धो लिया है। हम डाल देंगे इसमें आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ी सी धनिया पाउडर। हम डाल देंगे यहाँ पे चिली फ्लेक्स। आप चाहे यहाँ पे लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा तेल, करीब 1 चम्मच जितना तेल, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया है आलू को। हम ले लेंगे एक फॉइल और इस पे हम रख देंगे सारे आलू को। तो मैंने यहाँ पे इसे डाल दिया है। अब इसे हम फोल्ड कर लेते हैं। जिस तरह से हम पार्सल आते साथ हम इसे पैक कर देंगे चारों तरफ से। हम इसे ओवन में रख देंगे और इसे हम 180 डिग्री पे बेक करेंगे, जब तक हमारा आलू अच्छे से पक नहीं जाता है। तो मैंने इसे करीब आधे घंटे पकाया है और इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से पक गया है, टूट भी रहा है। तो मैंने यह पैन, इसमें डाल देंगे हम तेल। तो मैंने यहाँ पे डाला है तेल। अब तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। हम डाल देंगे इसमें ये आलू जिसे हमने ओवन में बेक किया था। मेरे पास ओवन था तब मैंने इसे ओवन में कुछ देर के लिए पका लिया। अगर आप ओवन नहीं है तो आप इसे स्लाइस में काट करके इसे पानी में उबाल लेंगे लीजिएगा। अगर पानी में उबाल रहे थे इसे 3/4 इसे उबालना है पानी में। तो इसे हम हल्का सा क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखते हैं और इस पर हम स्प्रिंकल कर देंगे ये काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको चिली फ्लेक्स नहीं यूज़ करना तो आप यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल सकती हैं। या अगर आपको प्लेन बनाना है तो आप इसमें बस सिर्फ नमक डालिए और ये नमक साथ भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ मसाले डाले हैं। इसे हमें क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। अब देखिए मैंने कितना कम तेल यूज़ किया है इसे फ्राई करने में, जिससे ये थोड़ा हेल्दी बनेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत हेल्दी है क्योंकि आलू है ये, बट जो फ्राई हुए रहते हैं पोटैटो वे उसे ये थोड़ा हेल्दी है। अगर आपको इसे मसाले भी नहीं डाले हैं तो आप सिंपल इसे इसमें जो मैगी मसाला आता है या फिर जो मैगी का टेस्ट मेकर रहता है उसे भी आप इसमें डाल सकती हैं। उससे भी ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। मसाला आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या डालती हैं। तो हमारा ये पोटैटो वेजेज तैयार है। आप देखते हैं ये कितने अच्छे से क्रिस्प हो गया है और इसके ऊपर कवर भी आ चुकी है। तो हमारा ये जो पोटैटो वेजेज है ऊपर खाने से क्रिस्पी लगेगा लेकिन अंदर से स्पॉन्जी है। तो तैयार है हमारा ये पोटैटो वेजेज। हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अपनी मनपसंद सॉस या फिर डिप के साथ आप
खाइए और मुझे बताइए बताइए।